तो उस दिन की शुरुआत होती है होटल माउंटेन ड्यू से, जो कि है ओल्ड मनाली में। और होटल रूम के बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। जिस होटल में हम ब्रेकफास्ट करने गए थे वहाँ पे हमें एक क्यूट सा पांडा मिला, और वहाँ पे ही पता चला कि दुनिया में ऐसी चटनी भी एग्जिस्ट करती है। फिर वहाँ से हम निकल पड़े मॉल रोड की तरफ, और इस बीच हमें बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे कि देवदार ट्रीज, मनाली का गवर्नमेंट स्कूल और हमारे दोस्त की आर्ट गैलरी। फिर फाइनली हम पहुँच गए मॉल रोड। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे हर रेलवे स्टेशन पे पब्लिक टॉयलेट का होना जरूरी होता है, वैसे ही हर एक हिल स्टेशन पे मॉल रोड का होना जरूरी होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का ढार। जोक सपाट, मॉल रोड एक बहुत ही अच्छी जगह है। सभी टूरिस्ट को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और मैरिड कपल्स का तो ये जैसे अड्डा ही बन गया है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ये राइट साइड में मनाली का मेन बस स्टैंड है, और सभी गवर्नमेंट बसेस यहाँ से ही छूटती है। और बस स्टैंड के बाजू में ही दुर्गा माता का सुंदर सा मंदिर भी है। विंडो शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत से छोटे मोटे दुकान भी है, और अगर आपको लेदर जैकेट पसंद है तो यहाँ से ज़रूर खरीदना, क्योंकि वो बहुत सस्ते और अच्छे क्वालिटी के मिल जाएंगे। फिर मॉल रोड से निकल के हम निकल पड़े गुलाबा व्यू पॉइंट की तरफ। वैसे तो गुलाबा गांव एक फेमस स्नो पॉइंट है, बट उससे भी ज़्यादा वो वहाँ की वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के लिए जाना जाता है। गुलाबा गांव मनाली से लगभग 27 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप कार या बाइक से जा रहे हो तो लगभग एक घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। वैसे तो इस रूट पे गवर्नमेंट बसेस भी चलती है, बट उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है। पर मेरी माने तो आप बाइक ही प्रीफर करिएगा, क्योंकि यहाँ के रास्ते और नज़ारे इतने सुंदर है कि आपको हर 2 मिनट बाद रुकना पड़ सकता है। पर बाइक का एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ते और भी खूबसूरत हो रहे थे। स्नो पॉइंट जा रहे थे तो स्नो ड्रेसेस तो चाहिए ही थी। 20 किलोमीटर के इस रोड पे आपको ऐसी कम से कम 100 दुकानें मिल जाएंगी, और हर एक दुकानदार आपसे यही कहेगा यहाँ से ही ड्रेस ले लो, आगे दुकान नहीं है। फिर क्या, हमने वो ड्रेस ले ली और छोटे बच्चों से हम बड़े आदमी बन गए। वैसे तो हमें रोहतांग पास जाना था, पर वो अभी खुला नहीं था, तो इसीलिए हमें गुलाबा पॉइंट जाना पड़ रहा है। अगर आपको मनाली के स्नो पॉइंट्स के बारे में पता नहीं है तो बता दूं, यहाँ पे 3 फेमस स्नो पॉइंट्स हैं। पहला है सोलंग वैली, दूसरा है गुलाबू पॉइंट, और तीसरा है रोहतांग पास। नॉर्मली जनवरी महीने सोलंग वैली ओपन हो जाता है, मार्च महीने में गुलाबा पॉइंट ओपन हो जाता है, और मई महीने के बाद रोहतांग पास ओपन हो जाता है। एक्चुअली ये स्नो पॉइंट कब ओपन होंगे ये यहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं, और उनकी सेफ्टी के लिए और वेदर के हिसाब से ये पॉइंट्स ओपन किए जाते हैं। फाइनली हम पहुँच गए थे गुलाबा पॉइंट। यहाँ पहुँच के हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुए थे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली गलती हमने ये की थी कि हम यहाँ पे बहुत लेट आए। अगर आपको यहाँ पे आना है तो सुबह जल्दी आ जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लग सकती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुई थी कि यहाँ पे पहुँच के बारिश शुरू हो गई। जब बारिश आई तो बारिश से बचने के लिए हमें कोई भी शेल्टर अवेलेबल नहीं थे। अब इतना पैसा खर्च करके हम बारिश में भीगने तो आए नहीं थे, और बिना स्नो में खेले वापस जाना भी नहीं था। फिर क्या, चढ़ाए हमने हेलमेट और हो गए खेलना शुरू। थोड़ी ही देर में बारिश बहुत ही बढ़ने लगी, और हमें वापस मनाली के लिए निकलना पड़ा।
फिर होटल पहुंच के बहुत थके होने के कारण उस दिन हम जल्दी सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह हमने कुछ लोकल टेंपल्स देखे, उसमें से एक था मनु टेंपल। और दूसरा था वशिष्ठ टेम्पल। और बस यहाँ पे ही खत्म होती है हमारी मनाली सीरीज। कीप वॉचिंग आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये हिंट समझ में आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कहाँ की हो सकती है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।